मेरे कंप्यूटर की खाली स्क्रीन मुझे डराती है। जब भी मैं खाली स्क्रीन को देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो खाली स्क्रीन मुझे एक अच्छी कहानी की रूपरेखा लिखने की चुनौती दे रही हो। मैं कुछ शब्द टाइप करता हूँ, ज्यादा गहरे शब्द नहीं है, मैं ये महसूस करता हूँ और फिर उनको मिटा देता हूँ। खाली स्क्रीन फिर से हंसती है, जैसे मेरी तरफ देखकर कह रही हो, बस यही है तुम्हारे अंदर, बस और कुछ नहीं है लिखने को। मैं ही अकेला लेखक नहीं हूँ जिसको ऐसा महसूस होता है, मुझसे पहले बहुत से लेखकों ने भी ऐसा ही अनुभव किया था और निसंदेह मेरे बाद भी बहुत से ऐसे लेखक आएंगे जो कुछ न लिख पाने की वजह से अपना उपहास उड़ते हुए देखेंगे। अनुभव तो बहुत ही दुखद होता है, परंतु फिर भी संघर्ष तो करना ही होता है और किसी तरह कहानी की रचना करके उसको अंत तक पहुंचाना ही होता है। प्रायः ऐसी स्थिति में मैं अपने बारे में ही लिखना शुरू कर देता हूँ। आज भी दिमाग बिल्कुल खाली है, विचार आ ही नहीं रहे। मुझे जल्दी ही मेरे प्रकाशक को कुछ लिख कर देना ही होगा, वो बहुत बार फोन कर चुके हैं। आज सुबह जब मैं उठा, मेरी पत्नी बिस्तर पर मेरे बगल में नहीं थी। पिछली रात मेरा उससे झगड़ा हो गया था और उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मुझे याद नहीं कैसे सब अंत हुआ था उस रात को, शायद हमारी लड़ाई का अंत अच्छा नहीं हुआ था। मेरी पत्नी विभा अभी तक रो रही होगी शायद, नहीं तो अभी तक मेरी नींबू वाली मीठी चाय मुझे मिल ही गई होती। अवश्य ही पिछली रात को कोई नाटक हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने पूरे घर में देखा पर वो कहीं भी नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी सहेली शोभा के घर चली गई थी और उसको अपने दुख बयान कर रही थी। शायद वो मेरे ज्यादा पीने के कारण ही मुझसे लड़ी थी, या फिर इसलिए लड़ी थी कि मैंने उसका रसोई में हाथ नहीं बटाया था। शायद मैंने पिछली रात को उसके पकाए हुए खाने की आलोचना कर दी थी और बात बढ़ते बढ़ते मेरी माँ के पकाए खानों और उसकी माँ के पकाए खानों तक पहुँच गई थी। मुझे कुछ कुछ तो याद आ रहा था परंतु टुकड़ों में। मैंने उसका फ़ोन नंबर मिलाया परंतु उसका फ़ोन बंद था। मैंने निर्णय लिया कि अगर वो एक घंटे में वापस नहीं आई तो मैं उसकी सहेली के घर पहुँच जाऊँगा उसको खोजने के लिए। वहीं पर वो मुझे बुरा भला कह रही होगी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या हमारी लड़ाई के बाद हम दोनों में समझौता हो गया था, क्या हम दोनों में से किसी एक ने माफ़ी मांगी थी, क्या मैंने उसको धमकी दी थी कि मैं सुबह तलाक के लिए एक वकील से मिलूंगा। मैं सोचने लगा कि उसके वापस आने के बाद मैं बात कहाँ से शुरू करूँगा, क्या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या फिर जिद पर अटक जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे उसके लिए खाना पका कर रख देना चाहिए, शायद इससे वो खुश हो जाए। नीचे सड़क और गलियों में कुछ हलचल शुरू हो गई थी, मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई थी, लेकिन मैं बिस्तर छोड़कर उठना नहीं चाहता था। मेरा कंप्यूटर मेरे बिस्तर पर ही मेरे सामने मेरा मुंह देख रहा था, मैं तो पेशाब करने के लिए भी उठकर जाने को तैयार नहीं था। मुझे भूख लगने लगी थी पर वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वैसे मेरी पत्नी है तो बहुत प्यार करने वाली और मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे सब काम भी करती है। मैं उठकर रसोई में गया और देखा कि उसने नाश्ता भी नहीं बनाया था। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था, चाहे हम कितना भी झगड़ा क्यों न कर लें। हम लोग पहले भी लड़ते झगड़ते थे पर कुछ देर के बाद शांति हो जाती थी। मैं फिर से सोचने लगा कि पिछली रात को ऐसा क्या हो गया था कि वो अचानक गायब हो गई थी। मुझे उसकी चिंता होने लगी और मैंने फिर से उसका फ़ोन नंबर मिलाया। मैं बिस्तर से उठकर बाहर बालकनी पर आ गया और नीचे सड़क पर देखने लगा। नीचे भीड़ लगी हुई थी, मैं 10वीं मंजिल से नीचे देख रहा था। कुछ लोग नीचे जमीन पर पड़े एक व्यक्ति को देख रहे थे और कुछ लोग मेरी तरफ ऊपर देख रहे थे।
अचानक मैंने देखा कि जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति कुछ कुछ पहचाना था। उसके चारों तरफ शायद खून फैला हुआ था, शायद वह व्यक्ति मर गया था। ये भगवान, क्या मैंने अपनी पत्नी को पिछली रात को शराब के नशे में झगड़े के दौरान नीचे धकेल दिया था? मैं भीड़ से घिरी हुई उस लाश को देखते हुए पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था। 3 महीने के बाद, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। सुनो, क्या तुमने वो तस्वीरें देख ली जो तुमको प्रीति ने ईमेल से भेजी है? नहीं माँ, फिर से नहीं। माँ, मैं आपकी किताब पर काम कर रहा हूँ, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता। बेटा, कब तक ऐसे टालते रहोगे? हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, फिर तुम्हारी बहन प्रीति की भी तो शादी करनी है। पहले तुम शादी कर लो, फिर उसकी कर देंगे। ठीक है माँ, मैं वो तस्वीरें देख लूँगा और आपको बताऊँगा। माँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ओ पाठको, माफ़ कीजिएगा, बीच में माँ ने बाधा डाल दी। हाँ, तो हम कहाँ थे?